हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। आज हम एक और नया तगड़ा शेयर आपके लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट पिक हम लेके आए हैं। ये बहुत ही बेहतरीन शेयर होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए। तो अगर आप एक ट्रेडर हो तो शॉर्ट टर्म के लिए आपको गेन मिलने देखने मिल सकता है, और अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो ये शेयर जो है यहाँ से डबल होने की ताकत रखता है। तो ये रेन इंडस्ट्रीज़, आप सबको एक शेयर के बारे में तो पता ही होगा, सीमेंट बनाने वाली कंपनी है। तो इसके पहले ये मंथली का चार्ट लगाया हुआ है मैंने, तो पहले इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं। कि ज़्यादा मैं फंडामेंटल्स पे भरोसा नहीं रखता, मैं ज़्यादा चार्ट ट्रेडिंग में विश्वास रखता हूँ, जो कि चार्ट एनालिसिस सब कुछ दिखा देता है कि फंडामेंटली ये कंपनी स्ट्रांग है या वीक है। ये सब मैं फंडामेंटल से ज़्यादा टेक्निकल पे भरोसा करता हूँ, और वो ज़्यादा मैं देखता हूँ। जो फंडामेंटल्स होते हैं वो सिर्फ आपको जो है कंपनी स्ट्रांग है या नहीं है ये आपको बताएगी सिर्फ, और उसमें लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए ये आपको दिखाएगा। लेकिन वो चलने कब वाला है या भागने कब वाला है ये आपको टेक्निकल ही बताएगा, चार्ट ही बताएगा। तो मैं चार्ट पे ही ज़्यादा भरोसा करता हूँ, तो चार्ट मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा। आप भी अगर चार्ट रीडिंग का स्किल अगर आप डेवलप करेंगे तो फंडामेंटल्स आपको देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर भी एक बार ओवरव्यू हम देख लेते हैं कि कंपनी के फंडामेंटल्स अभी फ़िलहाल क्या चल रहे हैं। तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो मार्केट कैप जो है 64 करोड़ का मार्केट कैपिटल है, और ये तो जनरल व्यू है। मेन जो मुझे देखना है इसका जो प्रॉफिट लॉस है ये मुझे देखना है। सेल्स जो है अगर देखेंगे तो दिसंबर 2021 से अगर देखेंगे तो कुछ खास बड़ा नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंसी थोड़ी सी मुझे यहाँ पे दिख रही है। और अगर मेन जो चीज़ है मैं आपको यहाँ पे एक बार दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो रिज़र्व है कंपनी के पास 8,454 करोड़ का जो है कैपिटल है, और डेप्थ अगर देखेंगे मार्केट के ऊपर तो 9,372 करोड़ का जो है डेप्थ है मार्केट के ऊपर। तो लगभग बोरोइंग्स के कंपेरेटिवली जो है रिज़र्व थोड़े से हल्के से कम है, लेकिन कभी भी कंपनी भर के डेट फ्री हो सकती है। तो और दूसरी एक जो चीज़ है मैं ज़्यादा करके यहाँ पे देखता हूँ बाकी सब चीज़ों से, यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है ये अगर देखेंगे आप तो प्रमोटर्स का होल्डिंग जो है स्टेबल है यहाँ पे। FIIs का जो होल्डिंग है यहाँ पे थोड़ा सा घटा है दिसंबर 2023 में, पहले 17.08% था जून में 2023 में, सितंबर में 16.32 हो गया, ये जो माइनस हो गया, और दिसंबर में जो है लगभग इन्होंने 12.09% का यहाँ पे कर दिया। अगर गवर्नमेंट के DIIs के पास अगर देखेंगे तो DIIs ने यहाँ पे स्टेक बढ़ाया है, जो कि जून में 0.23% था, सितंबर में 0.26 था हो गया, और दिसंबर में अगर देखेंगे तो 0.34% हो गया है। गवर्नमेंट का अगर स्टेक देखेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने भी अपना स्टेक यहाँ पे स्टेबल रखा हुआ है, जो कि 0.34% है। और पब्लिक के पास अगर देखेंगे तो पब्लिक के पास लगभग 46.08% का स्टेक यहाँ पे पब्लिक के पास है। तो ये जो है मेन चीज़ें है होती है, ये देखना ज़रूरी होता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे एक और चीज़ है आ गया यहाँ पे। प्रोज और कॉन्स में अगर देखोगे तो कंपनी हैज़ लो रिटर्न ऑन इक्विटी ऑफ 14% ओवर लास्ट 3 ईयर्स, मतलब 3 साल से कंपनी ने सिर्फ 3 साल में 14% का रिटर्न दिया है। और उसका रीज़न भी मैं इस ये जो यहाँ पे कॉन्स है उसका मैं रीज़न बताऊँगा आपको। और यहाँ पे स्टॉक इज़ ट्रेडिंग एट 0.7 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब ये बुक वैल्यू से थोड़ा सा
नीचे चल रहा है अभी। और अब ये जो इसका जो रीज़न है मैं आपको अभी बताऊंगा कि 14% 3 साल में कंपनी ने सिर्फ 14% बना के दिए है इन्वेस्टर को। तो ऐसा क्यों हुआ, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ऑलरेडी यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन फेज़ मार्केट का चल रहा था, और यहाँ पे अगर ये मंथली का चार्ट है और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कोविड का जो फॉल आया था यहाँ पे लगभग इसने लो जो लगाया था 44 रुपीज़ का लो लगाया था यहाँ पे, ठीक है। तो इसमें देखने वाली ये बात है, अगर जो भी स्टॉक रहेगा और टेक्निकली मैं अगर बताऊंगा यहाँ पे टेक्निकल पे अगर आपको देखना है कि कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रांग है या नहीं है, तो यहाँ से ये अगर ताकत रखता है 44 रुपीज़ से, 1 साल में अगर देखोगे आप तो इसने लगभग हाई जो है 272 रुपये का हाई लगाया है। तो आप सोचो यहाँ से अगर 1 साल में, ये लो कब लगाया था इसने, मार्च 2020 में, और यहाँ पे हाई कितना लगाया है 2021 अगस्त में जो है इसने हाई लगाया था 272 रुपये का सॉरी। तो इसी ये जो मूव आया था इसमें समझ में आता है कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है फंडामेंटली, ये ताकत रखती है कि ये 40 रुपये से लगभग जो है फिर से 300 रुपये तक जा सकती है। तो ये फंडामेंटल इसके काफ़ी स्ट्रांग होने वाले हैं। और यहाँ पे अगर देखोगे तो उसके बाद यहाँ पे लो जो लगाया है इसने 130 का, यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है बार बार मार्केट, यहाँ पे सपोर्ट लेके यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे 2 बार और यहाँ पे 3 बार, यहाँ पे तीसरी बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है। तो ये 130 का जो है ये काफ़ी अच्छा स्ट्रांग सपोर्ट जोन यहाँ पे बन के आ रहा है। तो अभी जो है हम इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे इसका एंट्री कहाँ पे बनेगा और एग्जिट कहाँ पे बनेगा ये एक बार हम देख लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने इसका लेवल जो है ड्रा करके रखा हुआ था यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो अभी जो मंथली चार्ट जो है 1.618 का जो लेवल यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, तो ये मंथली कैंडल अगर 201 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे अगर ये 201 के ऊपर 202 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो यहाँ पे एक शॉर्ट टर्म के लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो कि 240 रुपये का जो है यहाँ पे फर्स्ट टारगेट दिख रहा है। उसके बाद अगर देखेंगे तो 260 से लेके 270 रुपये जो है ये शॉर्ट टर्म के लिए टारगेट हो सकता है। तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो, और ये सेम कैंडल का लो जो है मंथली कैंडल का लो जो है यहाँ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए है, और लॉन्ग टर्म अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको चार्ट दिखा देता हूँ। पहले ये जो पैटर्न है यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे एक बार ये कोविड की वजह से ये नीचे फॉल आया था, तो मार्केट का जो है यहाँ पे सपोर्ट बन रहा था, सपोर्ट ऑलरेडी ले चुका था मार्केट, लेकिन ये कोविड की वजह से यहाँ से नीचे गिर गया। तो ये फिर से रिकवर होने के बाद यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बनी थी इन्वेस्टमेंट की। जिन्होंने भी इसका फंडामेंटली एनालिसिस किया होगा, जो इन्वेस्टर होंगे यहाँ पे एंट्री उन्होंने बना लिया होगा। तो यहाँ पे फिर से एक बार जो है मार्केट ने सपोर्ट लिया है, ये बहुत ही एक अच्छी बात है कि यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट ले रहा है। तो लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट अगर आप हो इन्वेस्टर अगर आप हो तो यहाँ पे इस पॉइंट पे आप एंट्री बना सकते हो, और जो आपका स्टॉप लॉस बनेगा 130 से लेकर 135 का आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और लॉन्ग टर्म अगर व्यू अगर हम देखेंगे तो लगभग यहाँ से ये जो है डबल होने की ताकत रखता है ये वाला शेयर, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा शेयर है। और सीमेंट सेक्टर अगर देखेंगे आप तो यहाँ से बूम भी हो रहा है, तो न्यूज़ में भी चल रहा है अभी, तो यहाँ से ये डबल भी हो सकता है और डबल से ज़्यादा भी हो सकता है आने वाले टाइम में, कुछ सालों में, 2 से लेके 5 सालों में जो है ये डबल हो सकता है, क्योंकि इसने 1 साल में ही लगभग अगर रिटर्न कैलकुलेट करोगे तो काफ़ी तगड़ा रिटर्न यहाँ पे हमें देखने मिला है 2020 से लेके 2021 तक। अगर 1 साल में देखोगे तो 40 रुपये से लेके ये तो लगभग 300 रुपये हो गए। तो ये इतना इतनी ताकत रखता है ये शेयर, तो आप इसमें जो है इन्वेस्टमेंट अपना कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म व्यू अगर आपको रखना है तो इन्वेस्टमेंट के लिए ये सबसे अच्छा पिक रहेगा। तो यहाँ से 200 से लेके ये अपना ऑल टाइम हाई भी
एक बार टेस्ट कर सकता है, जो कि 400 रुपये, अगर 400 भी यहाँ पे यहाँ से चला जाता है तो भी आपका इन्वेस्टमेंट जो है डबल हो जाएगा, अगर आप 2 से लेके 5 साल के लिए इसे होल्ड करते हो लॉन्ग टर्म के लिए। तो यहाँ पे ये जो पैटर्न है यहाँ पे, ये भी कहीं ना कहीं इसका ब्रेकआउट मुझे दिख रहा है मंथली कैंडल में, और वीकली में अगर देखेंगे हम यहाँ पे, अगर देखोगे तो वीकली में भी काफ़ी अच्छा पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है। तो ये जो था ये कंसोलिडेशन, इसका ब्रेकआउट यहाँ पे दिया है मार्केट ने, और यहाँ पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। वीकली में काफ़ी अच्छी क्लोजिंग हमें यहाँ पे देखने मिली है। तो ये यहाँ से जैसे ही 202 से ऊपर निकलेगा तो ये कम से कम 260 से लेके 270 रुपया यहाँ से यहाँ तक ये जाने वाला है। तो मैं जो यहाँ पे एनालिसिस आज मैं 17 तारीख को बना रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 17, तो 24 ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसके जो टारगेट्स है यहाँ पे आप देख सकते हो, मैंने मार्क करके रखे हुए हैं। तो आप यहाँ पे ये लेवल जो है आप अपने चार्ट पे भी प्लॉट कर सकते हो रेफरेंस के लिए। तो आपको इसका जो है बेनिफिट ले सके। तो यहाँ पे मैंने तारीख भी डाल दी है 17/2, क्यों मैंने यहाँ पे एनालिसिस वीडियो बनाया है, और यहाँ पे एंट्री पॉइंट स्टॉप लॉस पॉइंट मैं आपके यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। ये जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए जो है स्टॉप लॉस पॉइंट रहेगा ये वाला एसएल पॉइंट मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एसएल पॉइंट, और ये ऊपर टारगेट लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ये होने वाला है शॉर्ट टर्म टारगेट, शॉर्ट टारगेट, और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर जो है उनके लिए मेरा होने वाला है ये एटलीस्ट ये वाला जो है ये वाला टारगेट होने वाला है लॉन्ग टर्म के लिए, जो कि है 400 रुपीज़ लॉन्ग टर्म टारगेट। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है वीकली चार्ट्स पे। तो अगर आपको इसके फंडामेंटल्स डिटेल्स में अगर जानना है तो आप इनके वेबसाइट पे जाके बिजनेस का ओवरव्यू वगैरह आप देख सकते हो यहाँ पे, ये आप पढ़ सकते हो कंपनी क्या करती है और कहाँ कहाँ इनका यूनिट लगा हुआ है। कंपनी बाहर के आउट ऑफ कंट्री भी काफ़ी सारे इनके जो है बिजनेस का इन्वेस्टमेंट है, और इनका यहाँ पे अगर देखोगे, एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, बेल्जियम कनाडा जर्मनी में भी इनका बिजनेस है। तो आप इसे जो है फंडामेंटल जो है अगर आपको स्टडी करना है तो आप इनका वेबसाइट पे जाके आप डिटेल में आपका एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन इतना डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा कुछ लॉसेस होती नहीं है, क्योंकि अगर फंडामेंटली थोड़ा सा वीक है तो मार्केट में जो है उस कंपनी के शेयर जो है आपका होल्डिंग कैपेसिटी थोड़ा सा लंबा हो जाता है, होल्डिंग बड़ा मतलब होल्डिंग पीरियड जो है वेटिंग पीरियड थोड़ा बढ़ जाता है। बाकी कंपनी अगर फंडामेंटली अच्छी है तो फिर प्लस में आ ही जाता है। तो बस ये सब टाइम ज़्यादा और कम होने की बात है फंडामेंटली, मतलब अगर फंडामेंटल अच्छा है तो जल्दी शेयर अगर कभी गिरता है तो जल्दी से अब ऊपर आ जाएगा, और फंडामेंटल्स अगर वीक है तो थोड़ा टाइम लेगा, ये बात है। तो अगर फ्रेंड्स आप अभी भी हमारे चैनल पे नए हो, अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हो अपना सब्सक्राइब करके, और यहाँ पे ये जो QR कोड आपको राइट साइड कॉर्नर में दिख रहा है तो इसे आप अपने मोबाइल से स्कैन करके टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, जहाँ पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स प्रोवाइड करते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए। और एक डिस्क्लेमर दे दूँ, ये कोई बाय सेल सिग्नल बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा एनालिसिस है, और ये आप अपना इन्वेस्टमेंट कुछ भी अगर करना चाहते हो तो आप फाइनेंशियल अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके इन्वेस्टमेंट करना है आपको।
तो ये सिर्फ एनालिसिस है और ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये मेरा टेलीग्राम, ये मेरा यूट्यूब चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, तो आप यहाँ पे जुड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने काफ़ी जो शेयर्स हैं उनके एनालिसिस वीडियो, उनका बाइंग पॉइंट, उनका एसएल पॉइंट जो है एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस यहाँ पे आपको मिल जाएगा। बहुत सारे शेयर का मैंने यहाँ पे दिया हुआ है, आप अगर देख पाओगे। यहाँ पे सुजलॉन का, सोना कॉम्स का, मल्टीबैगर शेयर्स हम यहाँ पे शेयर करते हैं। कुछ हम जो है यहाँ पे पेनी शेयर जो होते हैं, जो 50 पैसे से लेकर 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये, 5 रुपये के अंदर के शेयर जो है, ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी मैं शेयर किया हुआ है, तो आप इससे जुड़ सकते हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे हम डेली एनालिसिस वीडियो, निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस वीडियोज़ भी शेयर करते हैं यहाँ पे। तो आप इस चैनल का, चैनल से जुड़ के इसका फ़ायदा आप उठा सकते हो। और चैनल को फिर से एक बार बोल देता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले जो है, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नए एनालिसिस वीडियो में। तो जुड़े रहिए इस चैनल से, तब तक के लिए थैंक यू। आज के लिए इतना।